सो गाइस यहाँ पे टाइम हो चुका है 9:24 और अभी तक ना ही तो हमारा पिछला ऑर्डर शो कर रहा है जिसमें हम माइनस में थे और ना ही यहाँ पे कोई फंड शो हो रहा है कि मेरे यहाँ पे फंड कितना जमा है, कुछ भी नहीं शो हो रहा है। बिल्कुल लिटरली भाई कुछ भी नहीं शो हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना ही तो मैं जो पिछला ऑर्डर था जिसमें मैं बहुत ही लॉस में था, ना ही मैं उसे चेक कर सकता हूँ कि मैं अभी प्रॉफिट में हूँ या फिर लॉस में हूँ। बट अगर ऐसा कभी भी आपके पास हो, ऐसा हो कभी भी, तो आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे आप जाइए के ऑर्डर पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा FNO, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका ऑर्डर शो होगा कि आपका ऑर्डर में प्राइस बढ़ रहा है या फिर गिर रहा है। बट वो आप सेल नहीं कर पाओगे जब तक इसका सब ठीक नहीं होता, नहीं तो फंड शो रहा है ना ही हमारा ऑर्डर शो रहा है। रात से लगभग 12 नहीं लगभग 11 बजे मैं चेक कर रहा, ना ही तो फंड शो हुआ ना ही ऑर्डर शो हुआ। ऐसे में अगर हमारा जो यहाँ पे लॉट था, मैं लॉट बैठा था, अगर वो नीचे जाता यानी पुट हो जाता, मैंने और किया था, तो मेरा टोटल जो भी मैंने मॉनिटर किया था वो लॉस जाता। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कल के डेट में हम माइनस में थे, लगभग 3000 अप्रॉक्स, उससे ज़्यादा ही माइनस में हम चले गए थे। बट आज के जो ऑर्डर में हुआ वो काफ़ी कमाल का हुआ, जो कि आज का ऑर्डर मैंने देखा, काफ़ी टाइम से मेरा यहाँ पे जो ऑर्डर था वो ऑर्डर शो ही नहीं कर रहा था, जो कि हमारा ऑर्डर था 2 लॉट का और उसका टोटल प्राइस था 2 लॉट का लगभग उसका प्राइस था 14 to 15, हाँ लगभग उसका प्राइस था 15,270.50, जिसे मैंने बाय किया था एक को 398 में और एक को 189 में, ठीक है। 2 लॉट मैंने बाय किया था, बट वहाँ पे ये हुआ कि दोनों लॉट जो था मैंने एक ही डे को और एक ही अमाउंट पे उसे कॉल बाय किया था, जिसके कारण दोनों लॉट सेम हो गया। और जिसके कारण यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको दिखाया है कि वो पहला दिन था उसके पिछले दिन का था, ये उसके पिछले दिन का है और वो जो है वीडियो अभी का है। एंड उसमें क्या हुआ कि हमारा ऑर्डर ही शो नहीं कर रहा था, जिसके कारण ना ही तो मैं उसे बेच सकता था और ना ही मैं और ऑर्डर परचेज कर सकता था। यहाँ पे अभी देख सकते हैं अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड है, यानी अभी जो मेरे पास अमाउंट है मात्र 1,406 रुपीज़ है, जो कि मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, बाकी सारा ट्रेड के लिए है। ये सारा पैसा भी मेरा होल्ड पे है, अभी तक मेरे पास आया नहीं, ठीक है। तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जैसे कि मैं कल के डेट पे माइनस में चला गया था, बट आज कल के डेट पे नहीं, वो लास्ट डेट था सैटरडे था शायद लास्ट डेट, जिसकी जब मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ ट्रेड डिटेल, तो मैंने 2 लॉट बाय किया था, तो यहाँ पे डेट नहीं शो हो रहा है कि मैंने कब ये बाय किया था, बट मैं जैसे ही हिस्ट्री में जाऊँगा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रिसर्च में चलता हूँ एंड तो रिसर्च यहाँ नहीं है, बट मैं हिस्ट्री में जाऊँगा तो ज़रूर पता चलेगा, ठीक है। तो लास्ट डे जब भी था मैं उस डे को यहाँ पे चेक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा माइनस में चला गया था, बट इस डे को क्योंकि मैंने कॉल बाय कर रखा था ऑलरेडी, तो अभी मैं और अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाया था और इसके कारण मेरा जो प्रॉफिट है 4,629 है, क्योंकि मैंने 2 लॉट बाय किया था। अगर यही मैंने 10 लॉट बाय किए होते तो आप सोच सकते हैं कितना अमाउंट हो जाता। 2 लॉट का अगर 4,629 रुपीज है तो मान लीजिए कि 8 लॉट और मैं खरीदता और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 416,000 रुपये यहाँ पे गेन होता अगर मैं बाय करता तब। और उसी तरीके से हमारा ये माइनस में भी जाता, तो आप ये ध्यान रखें कि आप जितना पैसा भूलने की क्षमता रखते हैं उतना ही पैसे इन्वेस्ट इसमें करें और कभी भी लोन लेकर के ट्रेड ना करें, इससे बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को।